हाँ तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम बसेस। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि हमारे कंप्यूटर पे कंप्यूटर सिस्टम में जो मेन यूनिट्स हैं, पहले तो सीपीयू है, फिर इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। मेनली कंप्यूटर हार्डवेयर को हम फोर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो जो कंप्यूटर हार्डवेयर है, जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू अपने आप में बहुत वास्ट है, यानी इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस। सेकेंडली इनपुट यूनिट, इनपुट इनपुट यूनिट मीन्स के द ऑल द इनपुट डिवाइसेस और द इनपुट अरेंजमेंट फॉर द कंप्यूटर ट्रीटेड एज ए सिंगल यूनिट। सिमिलरली फॉर द आउटपुट यूनिट, कि जो सारे कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस, उनको हम एज ए सिंगल यूनिट मान के चल रहे हैं। उसके बाद मेमोरी, तो मेमोरी भी तुम लोग जानते हो कि फर्दर इट कैन बी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्सरी मेमोरी। एंड प्राइमरी में रैम रोम आते हैं, सेकेंडरी में हमारे फ्लॉपी हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव, सीडी रोम एक्सेट्रा। तो जो ये सारे यूनिट्स हैं, जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस, जब कंप्यूटर सिस्टम वर्क करेगा तो इन सारी डिवाइसेस का आपस में कम्युनिकेशन होना निश्चित है। और हम ये कह सकते हैं कि ऑल द डिवाइसेस विल कम्युनिकेट विद ईच अदर एज वेल एज मेनली विद द सीपीयू। तो सीपीयू मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस करता है और कैश मेमोरी को। तो उसके बाद हमारा जो बाकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उनके लिए मेन मेमोरी में एक रिजर्व एरिया बफर होता है, जिनके थ्रू वो वैल्यू इनपुट डिवाइसेस मेमोरी में भेजते हैं और आउटपुट डिवाइसेस मेमोरी से वैल्यू लेते हैं। तो मेमोरी टू पेरिफेरल डिवाइसेस कम्युनिकेशन होता है और मेमोरी टू सीपीयू होता है, और सीपीयू के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उन सबका भी आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो अब ये जो कम्युनिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली देयर आर सम इंटरकनेक्शन, सभी के बीच इंटरकनेक्शन है, तो एक दूसरे से कनेक्ट हैं। डायरेक्टली भले ही कनेक्ट ना हो, बट एनी हाउ किसी ना किसी लिंक के थ्रू सभी डिवाइसेस का सबसे कनेक्शन है, और सीपीयू के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सब का भी आपस में इंटरकनेक्शन है। ऑल द रजिस्टर्स इनसाइड द सीपीयू आर कनेक्टेड विद ईच अदर। तो ये जो सिस्टम इंटरकनेक्शन है, ये हमारा इसके लिए जो मैकेनिज्म यूज होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बसेस, और बेटर वी कैन से द सिस्टम बसेस। तो बसेस बेसिकली क्या है हमारा, दे आर द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर, यानी लाइंस और कनेक्शंस किसी भी फॉर्म में हम अगर किन्हीं भी दो डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो दैट इज ए बस। बस मीन्स द अरेंजमेंट फॉर कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस विद ईच अदर। तो हमारा बस जो है किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे जो हमने प्रैक्टिकल में देखा है हार्डवेयर लैब में, तो उसमें क्या देखा है कि एक तो वो प्रिंटेड लाइंस होती हैं मदरबोर्ड में, सीपीयू मदरबोर्ड में फिक्स होता है, और सीपीयू से मेमोरी की तरफ वो सब इंटरकनेक्शन लाइन मदरबोर्ड के थ्रू जाती है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें, तो हार्ड डिस्क से हमारा मेन मेमोरी में वो पैरेलल स्ट्रिप वायर्स वो इंटरकनेक्ट होते हैं। इसी तरह सीडी रोम से भी हार्ड डिस्क की तरह ही इंटरकनेक्शन आता है। और बाकी कुछ जो डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर वगैरह है या एक्सटर्नल डिवाइसेस जो अटैच होती हैं मदरबोर्ड में, तो वो सब मदरबोर्ड से अटैचमेंट उनका केबल्स के थ्रू होता है। तो
जो हमारा ये है बस, वो इन तीन फॉर्म की हो सकती है जो ये लिखे हुए हैं। ये हमारा क्या है, शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडिया और सिंगल कम्युनिकेशन पाथवे। वो एक तरह से सिंगल कम्युनिकेशन पाथ है, बट इट कंसिस्ट ऑफ मेनी लाइंस, मेनी वायर्स और मेनी अरेंजमेंट फॉर फ्लोइंग द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा पहले तो ग्रुप ऑफ वायर्स हो सकता है, जैसे हार्ड डिस्क सीडी रोम वगैरह में पैरेलल लाइंस ऑन ए प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लाइक मदरबोर्ड, और रिबन लाइक सेट ऑफ पैरेलल वायर्स इनसाइड कंप्यूटर सिस्टम। रिबन लाइक देखा होगा तुमने, जैसे फ्लॉपी ड्राइव आजकल बंद हो गई है तो फ्लॉपी ड्राइव में और इनमें, हाँ ये भी तो रिबन टाइप के होते हैं, जैसे हार्ड डिस्क है और तुम्हारी सीडी रोम है, पूरा कंप्लीट रिबन होता है, उसमें तुम्हारी इंटरकनेक्शन लाइंस जाती है। तो ये जो इंटरकनेक्शन है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो प्रिंटेड सर्किट हो या पैरेलल लाइंस हो, हमारी ग्रुप ऑफ वायर्स हो, रिबन लाइक स्ट्रक्चर हो, तो ये सारे कंपोनेंट्स को आपस में कनेक्ट करता है, और सारे कंपोनेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो मेनली कंट्रोल सीपीयू के पास ही फाइनल आना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंने, इसको छोटा है थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, इसको कर देता हूँ। ये हमारा ये आउटपुट, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज में आउटपुट, और ये है हमारा इनपुट। और ये है मेमोरी, तो मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। इनपुट, तो ये इनपुट हो गया हमारा, ये है आउटपुट, और दिस इज मेमोरी, आउटपुट में टी बड़ा नहीं हुआ है, टी को भी बड़ा कर देते हैं। और दिस इज प्रोसेसर। तो ये एक रफ डायग्राम है, अज्यूमिंग कि ये हमारा बिल्कुल सिंपल बेसिक डायग्राम। तो इसमें जो नीचे लाइन दिख रही है, दिस इज सपोज टू बी द बस, जो होल्ड कर देते, तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस अरेंजमेंट आर एक्चुअली कनेक्टेड इन ए मतलब विद ए सिंगल बस, ठीक है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी हम और बेटर डायग्राम पे आएंगे बाद में। तो इसमें जो इनपुट है, इनपुट का एरो देखो, ये जा रहा है तुम्हारा इनपुट डिवाइस से बस की तरफ, क्योंकि इनपुट डिवाइस तो क्या है, इनपुट डिवाइस में कोई डेटा तो आना नहीं है बस से, इनपुट डिवाइस विल सेंड द डेटा टू बस, और ये आउटपुट का अरेंजमेंट है जिसमें जो हमारा एरो है, एरो के वो जो दिख रहा होगा एरो आउटपुट डिवाइस की तरफ है, तो आउटपुट डिवाइस की तरफ है मतलब बस से जो डेटा आएगा वो आउटपुट डिवाइस की तरफ जाएगा। मेमोरी बोथ वे कम्युनिकेट करती है सिस्टम बस से, इनफैक्ट ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इनिशियली तो मेमोरी से कनेक्टेड है और मेमोरी प्रोसेसर से, तो बट ओवरऑल तो हमें ये देखेगा ना कि इनपुट डिवाइस से जो भी डेटा एक्सेप्ट किया है या आउटपुट में जा रहा है तो वो प्रोसेसर के प्रोसेसिंग के थ्रू जा रहा है। तो मेमोरी बोथ वे कम्युनिकेशन है क्योंकि मेमोरी में रीड हो रहा है और राइट हो रहा है। अगर हम रैम की बात करें या हार्ड डिस्क की बात करें, ठीक है, मेमोरी एक जनरल स्ट्रक्चर है जिसमें अभी हमने कैटेगराइज नहीं किया है कि कौन किस टाइप की मेमोरी है या किस टाइप की इनपुट डिवाइस है एक्सेट्रा, और प्रोसेसर भी बोथ वे कम्युनिकेट करता है सिस्टम बस से। तो दिस इज ए बेसिक अरेंजमेंट।
अब हम इस पे आते हैं थोड़ा मोर एलिबरेटिव डायग्राम की तरफ, बस टू कनेक्ट मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो रीड आउट दीज थ्री पॉइंट्स, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एक्चुअली जो मॉडर्न कंप्यूटर हैं उनमें हमारा सिंगल बस अरेंजमेंट होता है सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, जो मैंने दिखाया है. जैसे मैकिंटोश मशीन है तो सिंगल बस कनेक्ट करती है सभी मेजर कंपोनेंट्स को. अब सिंगल कनेक्ट करे या अलग अलग या कैसे भी, एनी हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. अब जितने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम लोगे, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स, तो ऑब्वियसली दे आर हैविंग मोर हार्डवेयर कंपोनेंट्स, एंड जितने हार्डवेयर कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे तो सिस्टम इंटरकनेक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज्यादा होती जाएगी. कम्युनिकेशन थ्रू बस, इन पॉइंट्स को पढ़ लो. जब बसेस के थ्रू, मतलब बसेस के थ्रू तो कम्युनिकेशन होता ही है. जब एक डिवाइस दूसरे से कम्युनिकेट करती है तो वो बस से कनेक्टेड है, और एक डिवाइस के थ्रू सिग्नल ट्रांसमिटेड होगा तुम्हारा, और ये सभी डिवाइसेस के लिए अवेलेबल होगा रीड करने के लिए. इट डिपेंड्स ऑन सीपीयू कि वो क्या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, कहाँ से डेटा किसको भेज रहा है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन बाई सीपीयू. तो जो पैरेलल में वायर्स होते हैं तो हर एक वायर एक बिट कैरी करता है, दैट मीन्स जितने इंटरकनेक्शन है उतने बिट एट ए टाइम उस पर कैरी हो सकते हैं, वो ट्रांसफर हो सकते हैं. तो मेमोरी से सीपीयू का जितनी ज्यादा लाइन्स होंगी डेटा लाइन्स, तो उतनी लाइन्स में हमारा जो ट्रांसफर होगा डेटा का वो पॉसिबल होगा. जैसे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है, इट इज हैविंग 16 एड्रेस लाइन्स. तो वही लाइन्स हमारी, आउट ऑफ दी 16 लाइन्स, 8 लाइन डेटा की तरह वर्क करती हैं, और जब एड्रेस की बात आ गई तो वो 16 बिट की तरह वर्क करेगा 8085 में. तो यही कंसेप्ट सब जगह होता है सारे प्रोसेसर्स में, कि कॉमन बस होती हैं लेकिन उनमें से कुछ लाइन किसी के लिए यूज होती हैं, कुछ किसी के लिए. सपोज करो सारी लाइंस एड्रेस के लिए यूज हो रही हैं तो आधी लाइन डेटा के लिए यूज हो रही हैं 8085 में. तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम बोलते हैं एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस, तो वो अलग अलग से 3 लाइन आ रही हैं. वो स्ट्रिप यानी इंटरकनेक्शन लाइन उतनी है, बट उनमें से कितनी लाइन किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, That depends. So, transfer of electric electronic impulses. In points को पढ़ लो. Basically जो इनमें transfer होता है, अगर हम बोलते हैं bit transfer हो रही है, तो bit क्या है, कोई वो वस्तु के form में थोड़ी transfer हो रही है, कि कोई trolley थोड़ी है कि उस पर सामान जा रहा है. It is transferred by electronic pulses, just like the electric wires. अगर दो पोल्स लगे हुए हैं तो उनके बीच अगर हम बोलते हैं करंट फ्लो हो रही है, तो दैट इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस में. तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो भी डेटा इंफॉर्मेशन फ्लो होगा थ्रू द वायर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स बेसिकली फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर. तो ये जो कंडक्टिंग लाइन्स हैं इन्हीं के थ्रू हमारा सारा डेटा ट्रांसफर होता है. लेकिन बस क्या है कि हमारा स्विच की तरह वर्क करता है, कि एट ए टाइम केवल दो डिवाइस ही कम्युनिकेट हो सकती हैं. और एक चीज तुम लोग जानते ही हो कि कोई भी डिवाइस है हमारी, तो दैट डिवाइस इज हैविंग इट्स ओन इंटरफेस सर्किट टू कम्युनिकेट विद द मेमोरी और सीपीयू. जैसे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क में जो इंटरफेस सर्किट है वो क्या है, हार्ड डिस्क के नीचे जो पूरा अरेंजमेंट बना हुआ है, पूरी रोम लगी हुई है उसमें और बाकी सारा इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, दैट इज द इंटरफेस सर्किट फॉर द हार्ड डिस्क. इसी तरह कीबोर्ड का इंटरफेस सर्किट देखोगे, तो कीबोर्ड को अगर ओपन करो तो उसमें एक तुम्हारा सर्किट सा निकलेगा नीचे, वो पट्टी, फ्लैट पट्टी, तो और उसमें पूरा तुम्हारा अरेंजमेंट होगा. जैसे मोबाइल चार्जर है, जब उसको ओपन करोगे तो उसमें एक एक बोर्ड में, स्मॉल बोर्ड में पूरा तुम्हारा सर्किटरी
और कैपेसिटर इंडक्टर जो भी लगे हैं वो निकलेंगे। तो इंटरफेस इज दैट सर्किट विच एक्चुअली कम्युनिकेट्स, अदरवाइज तो डिवाइस में क्या है तुम्हारा, मेनली इंटरफेस सर्किट ही तो कम्युनिकेट करता है किसी भी डिवाइस का। तो आगे चलते हैं, अब ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है, यू कैन सी दिस डायग्राम। अब यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखो इंटरफेस दिख रहा होगा, इसको मैं ये दिख रहा है सभी को या छोटा हो रहा है डायग्राम? तो आई वॉन्ट टू शो दिस डायग्राम एक्चुअली। दिख रहा है सर। दिख रहा है, ओके। तो अब इसमें देखो कि इसमें ये नीचे वायर्स बने हुए हैं, एक ब्लैक है, एक ये पर्पल है, एक ब्लू है। तो ब्लैक को मैंने नाम दिया है डेटा बस। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम कहें कि जहां डेटा बस रिप्रेजेंट करना होगा हमें तो ब्लैक से ही करेंगे, वो मैंने तुम्हारे समझाने के लिए अलग अलग कलर में डिक्टेट कर दिया है इनको, ठीक है। तो ये डेटा बस है और सर थोड़ा सा जूम कर दीजिए, आवाज नहीं आ रही है सर, थोड़ा सा जूम कर दीजिए। अच्छा जूम कर दें, यस सर जूम, इसको फुल स्क्रीन में कर देता हूं मैं इसको, यस सर। ये देखो, ठीक है, अब दिख रहा होगा ये। तो ये है यहाँ पे हमारा इनपुट, ये आउटपुट है, और ये बीच में जो इंटरफेस बना रखा है, ये एक्चुअली इंटरफेस का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बॉक्स बना रखा था मैंने, लेकिन वो हिडन आ रहा है। तो जो इनपुट यूनिट है उसका ये इंटरफेस सर्किट ही तो कम्युनिकेट करेगा, इसी तरह आउटपुट यूनिट है उसका इंटरफेस सर्किट। आउटपुट यूनिट को मतलब हम सारे यूनिट्स को, किसी भी आउटपुट यूनिट का मतलब ये मान के चलो कोई भी आउटपुट डिवाइस, यहाँ एज्यूम करके चलो, यहाँ कोई भी इनपुट डिवाइस एज्यूम करके चलो, और ये मेमोरी है, ये प्रोसेसर है। तो यहाँ जो डेटा बस है वो ब्लैक लाइन से शो हो रही है, ये एड्रेस बस इससे हो रही है, कंट्रोल बस इससे हो रही है। तो इनफैक्ट ये क्या है, अलग अलग लाइन नहीं है, एक सिंगल स्ट्रिप आती है, या मदरबोर्ड में भी देखोगे तुम तो वो एक साथ बहुत सारी लाइन बनी होंगी। डेटा एड्रेस और कंट्रोल से मीनिंग ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल ट्रांसमिशन लाइन है उनमें से कितनी लाइन डेटा बस के लिए काम कर रही है, कितनी एड्रेस के लिए, कितनी कंट्रोल के लिए। तो अब डेटा बस जो कनेक्टेड, डेटा बस का पहले सबसे पहले इंटरकनेक्शन देखो, तो प्रोसेसर से बोथ वे होगा इसका, डेटा से प्रोसेसर का, क्योंकि प्रोसेसर से के अंदर डेटा आएगा, प्रोसेसर जब प्रोसेस करेगा तो उस डेटा को फिर भेजेगा डेटा बस के थ्रू जहां भी भेजना है उसको। इसी तरह मेमोरी है, उसमें रीड राइट दोनों ऑपरेशन है, लेकिन जो आउटपुट यूनिट है उसमें डेटा बस से कनेक्शन केवल उसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि आउटपुट कुछ सेंड तो करता नहीं है, वो केवल रिसीव करता है। और इनपुट डिवाइस में हमारा जो है ये इधर की तरफ एरो आएगा डेटा बस की तरफ, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, कुछ भी तुम इनपुट दोगे तो वो डेटा बस के थ्रू आके और मेमोरी में स्टोर होगा। दूसरा एड्रेस बस देखो यहाँ पर, तो एड्रेस बस में जो लाइन है यहाँ पर वो प्रोसेसर का एरो एड्रेस बस की तरफ है, क्योंकि प्रोसेसर विल डिमांड द एड्रेस और जनरेट द एड्रेस, और बेसिकली वी कैन से कि प्रोसेसर केवल एड्रेस भेजता है, और मेमोरी की तरफ, आउटपुट यूनिट की तरफ और इनपुट यूनिट की तरफ, ये एरो इधर है, क्योंकि एड्रेसेस प्रोसेसर को चाहिए मेमोरी का, इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एड्रेस। और मेमोरी बेसिकली क्या है, प्रोसेसर को एड्रेस नीड होती है। अब मेमोरी में ही से ही तो रिकॉग्नाइज होगा कि इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के करेस्पॉन्डिंग जो बफर मेमोरी है वही एड्रेस तो है प्रोसेसर के लिए। और तीसरा है कंट्रोल बस, तो कंट्रोल बस सभी डिवाइस के लिए बोथ साइड होगी, बेसिकली इट सेंड्स द इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम द सीपीयू टू करेस्पॉन्डिंग सर्किट। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम, यहाँ बीच में इंटरफेस सर्किट, इनपुट डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का।
ठीक है, सो आई थिंक दिस डायग्राम शुड बी क्लियर टू यू. अब ये इसमें छोटा नहीं हो रहा है. इसको F5 से छोटा कर रहा था तो स्किप से. ओके ठीक है, स्किप से हो गया. ठीक है, तो जो मैंने डायग्राम बनाया बताया ये समझ में आ गया होगा. अब इसमें आगे चलते हैं. CPU इंटरनल बसेस, तो इसमें नया कुछ नहीं है. जो CPU के अंदर कंपोनेंट्स हैं ALU कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स, तो वो आपस में कम्युनिकेशन इंटरकनेक्शन सर्किट होता है. और वो क्या है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बनाना उसको यहाँ पॉसिबल नहीं है. यू कैन जस्ट सी इट, दिस काइंड ऑफ सर्किट इंटरनल टू CPU फ्रॉम एनी बुक, जो मॉरिस मेनू या कोई भी ये आर्किटेक्चर की टेक्स्ट बुक है उसमें CPU के इंटरनल जो अरेंजमेंट देखोगे तो ऑल द रजिस्टर्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर एंड दीज आर एज वेल एज कनेक्टेड टू द कंट्रोल यूनिट एंड ALU एज रिक्वायर्ड. तो वो CPU इंटरनल बस है. बस टाइप, तो बस टाइप में जो मैंने अभी बताया ये बस टाइप ही है, एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस. तो ये तुम्हारी यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द, मतलब यूनिडायरेक्शनल और बाईडायरेक्शनल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डिवाइस. CPU से है, जैसे अगर एड्रेस बस की बात करो तो वो यूनिडायरेक्शनल ही होगी CPU से एड्रेस बस की तरफ. इसी तरह अगर डेटा बस की बात करो तो वो कीबोर्ड ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूनिडायरेक्शनल होगी, बट CPU और मेमोरी के लिए वो बाईडायरेक्शनल होगी. ठीक है, तो मेनली हमारी एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस, तीन टाइप की बसेस को हम एज्यूम करके चलते हैं. तो उसका थोड़ा सा और एलिबोरेटिव डायग्राम यहाँ पर है. जैसे इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस में ये जनरल इंटरफेस है. ये जरूरी नहीं कि सारी सर्किटरी हर एक डिवाइस के इंटरफेस में हो. एड्रेस डिकोडर, कंट्रोल सर्किट, डेटा एंड स्टेटस रजिस्टर्स, जो मॉडर्न डिवाइस आ रही हैं जैसे DMA चिप है या तुम्हारा कोई भी कार्ड उसमें फिक्स करोगे, नेटवर्क कार्ड है, तो दे आर हैविंग द एडवांस्ड फीचर्स. तो डेटा बस इसको रीड आउट कर लो, वही मतलब है डेटा बस का जो मैंने बताया, कुछ नया नहीं. डेटा हमारा प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ ही फ्लो होगा इनिशियली, या फिर मेमोरी से हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में. ये तो एक एग्जांपल लिखा है मैंने बिटवीन प्रोसेसर एंड मेमोरी. जो मेन कम्युनिकेशन है वो किस तरह है, मेमोरी से आउटपुट इनपुट डिवाइसेस का और मेमोरी से CPU का. मेमोरी इज द बेसिकली इंटरफेस अगर देखा जाए, मतलब इंटरफेस मीन्स इंटरमीडिएटरी. तो डेटा बस की जो डेटा लाइंस है हमारी वो 8 के मल्टीपल में होती है. और इनफैक्ट सारी जो कंप्यूटर सिस्टम में तुम हायरार्की लोगे तो वो 2K, 4K, 8K मल्टीपल्स में ही आएंगे. जैसे मेमोरी की साइज लो या हार्ड डिस्क की साइज लो, रैम है कभी अगर 1 GB अवेलेबल है तो उसके पहले वो 512 MB अवेलेबल थी, उसके पहले 256 थी, वो 2K, 4K मल्टीपल में ही आती है कंप्यूटर में सारे. तो एड्रेस बस ये इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की जो हम बात करेंगे वो बाद में बताऊंगा, हम काफी बाद में एक लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि IO मैप्ड, मेमोरी मैप्ड और इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर, तो उसमें पोर्ट्स के बारे में. वैसे तो कंप्यूटर नेटवर्क में तुमने पढ़ा है पोर्ट्स के बारे में. ओके, सिमिलरली वी हैव द कंट्रोल लाइंस ऑल्सो. एड्रेस लाइन का जो कंसेप्ट है वो सिंपल वही है कि अगर 20 एड्रेस लाइंस हैं, इसका मतलब
अगर सीपीयू के पास सपोर्टेबल 20 एड्रेस लाइंस है, अब ये एड्रेस लाइंस कैसे सपोर्ट होती है, उतने पिन होने चाहिए ना सीपीयू के पास, जैसे मॉडर्न प्रोसेसर्स हैं तो वो 64 बिट तक के आ रहे हैं, दैट मींस दे आर हैविंग 64 कनेक्शंस फॉर एड्रेसिंग द मेमोरी। बट अगर हम 8086 प्रोसेसर की बात करें इंटेल के, तो इसमें 20 लाइंस होती हैं एड्रेस लाइंस, 8085 में 16 लाइन होती हैं। तो अगर 8085 की बात करें तो 16 लाइन है सीपीयू से मेमोरी तक, तो जो मेमोरी एड्रेस कर सकता है उसका मतलब क्या है कि 16 बिट, तो 16 बिट के कॉम्बिनेशन बनाओगे तुम, टोटल कितने बनेंगे कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए, 16 तुम्हारे पास वो हैं एक तरह से प्लेसेस, तो उनमें या तो 0101 ही तो फिल करोगे, तो वो टोटल जो कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो 2^16 बनेंगे, ठीक है। अगर 20 एड्रेस लाइंस हैं तो 2^20, तो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है वो 1 MB मेमोरी ही एड्रेस कर सकता है, यानी 8086 माइक्रो प्रोसेसर 1 MB से ज्यादा मेमोरी को रीड नहीं कर सकता। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। इसी तरह अगर 30 एड्रेस लाइंस हैं, 32 अगर बिट प्रोसेसर है, दैट मींस कि 2^32, और ये कितना आएगा 2^32, 4 GB। तो 32 बिट प्रोसेसर कैन एड्रेस अप टू 4 GB ऑफ रैम, लेकिन जो 64 बिट प्रोसेसर है वो तो बहुत सारी जीबी को एड्रेस कर सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस मींस कि प्रोवाइडिंग द कंट्रोल सिग्नल्स, कि जो हमारा ये ऑपरेशन हो रहा है मेमोरी से सीपीयू में, या बेसिकली मेमोरी टू सीपीयू, तो वो रीड ऑपरेशन है कि राइट ऑपरेशन है कि एक्नॉलेजमेंट है। एक सिग्नल उसमें से ये भी होता है कंट्रोल सिग्नल में इसमें, कि वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है कि वेदर डिवाइस हैज रीड द डेटा और नॉट रीड। एक्नॉलेजमेंट हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये हमारा इंटरप्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा एड्रेस बस, कंट्रोल बस और डेटा बस हो गया। तो ये तो मैंने डायग्राम बता दिया था, अब ये थोड़ा सा और एलिवेटेड डायग्राम बना हुआ है सीपीयू का। यहाँ पे देखो सीपीयू है, ये पूरा बॉक्स जो दिख रहा है लेफ्ट में, दैट इज सपोज टू बी सीपीयू। तो उसके अंदर एएलयू है, रजिस्टर्स हैं, कंट्रोल यूनिट है, और इंटरनल कम्युनिकेशन, यानी जो स्ट्रक्चर है, जो इनपुट आउटपुट, इसको जैसे सब सिस्टम बोलते हैं, जो बाकी डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए है। तो यहाँ पर हमारा ये सपोज मेमोरी है, मेन मेमोरी, तो इसमें रैम और रोम, और यहाँ पर ये इनपुट डिवाइसेस है, यहाँ पे आउटपुट डिवाइसेस हैं, एक बॉक्स की तरह हमने ले रखा। हालांकि ऐसे बॉक्स से तो होता नहीं है, लेकिन हम जब हम उसको डायग्राम को समझेंगे तो हमें तो मेन मेन पार्ट्स को कैसे कम्युनिकेट करना है। और इन सब के बाद ये स्टोरेज एक्सटर्नल मेमोरी है हमारी, जिसमें फ्लॉपी हो गई, सीडी हो गई, हार्ड डिस्क हो गई, सीडी रोम है, मैग्नेटिक टेप्स है, ड्रम्स हैं, तो वो यहाँ है। तो अब ये देखो बस आ रही है जो सीपीयू से कनेक्ट हो रही है, तो रैम का तो टू वे कम्युनिकेशन होगा, सीपीयू से रैम में डेटा जाएगा, रैम से सीपीयू में, लेकिन रोम से तो केवल वन वे कम्युनिकेशन ही होगा ना, वो रीड ओनली है, तो उससे जो डेटा आएगा वो केवल बस पे डेटा आएगा, उसकी तरफ जाएगा नहीं डेटा। तो ये जो इनपुट इंटरफेस है, इसका मतलब ये है कि ये रैम से टू वे कम्युनिकेट करेगा, टू वे क्यों, सॉरी वन वे कम्युनिकेट करेगा ना, टू वे क्यों करेगा, इनपुट यूनिट से जो डेटा आएगा वो रैम में जाएगा ही, तो ये वाले जो एरो बने नीचे वाले, तो ये इनपुट डिवाइस कोई भी हो उससे जो डेटा आएगा वो रैम में जाएगा और रैम से सीपीयू रीड करेगा। सिमिलरली जो आउटपुट यूनिट है तो उसमें डेटा जो आएगा तुम्हारा वो बस से आउटपुट यूनिट की तरफ आएगा, और यहाँ ये बस सिस्टम, इसमें जो है इनपुट यूनिट से डेटा इधर रैम की तरफ जाएगा इनपुट आउटपुट का, और जो बस है तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज यूनिट से हमारा इस तरह कम्युनिकेट करेगी टू वे में, जैसे हार्ड डिस्क है या सीडी है। सीडी एज्यूम करके चलते हैं हम, रीड राइट सीडी, ठीक है। अगर
केवल रीड ओनली होगी सीडी, सीडी रोम जिसको बोलते हैं, सीडी रीड ओनली मेमोरी, तो उसमें तो एक बे ही होगा। लेकिन अगर रीड राइटेबल है तो फ्लॉपी है, सीडी है, तो उनसे हम डेटा मेमोरी में ले सकते हैं या मेमोरी से उनमें भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेन ड्राइव, तो पेन ड्राइव हो गई कोई भी सेकेंडरी मेमोरी हो, तो उससे तुम डेटा जब लोगे तो उसको यहाँ स्टोर कर सकते हो या उस रैम से डेटा प्राइमरी मेमोरी में भेज सकते हो, रैम से या हार्ड डिस्क से। रैम से डेटा प्राइमरी मेमोरी में कैसे भेजते हो, वो सॉरी रैम से पेन ड्राइव में, कोई एग्जांपल बताओ, कोई बताएगा? रैम से डेटा पेन ड्राइव में भेजना करते सभी लोग हो, लेकिन मुझे बता पाओ तो बोलो। चलो मैं बताता हूं, जैसे तुम कोई सपोज वर्क कर रहे हो, तुम अपना बायोडेटा बना रहे हो, बायोडेटा बना रहे हो एमएस वर्ड पे, तो जब कंप्यूटर में बना रहे हो तब तो वो रैम में ही है, अभी तुमने सेव तो किया नहीं है, और जब उसको सेव करोगे तो जरूरी थोड़ी हार्ड डिस्क में सेव करो, तो रैम सीधे अपने पेन ड्राइव में सेव एज कर दो, तो रैम से डेटा तुमने पेन ड्राइव में भेज दिया। पेन ड्राइव में कोई प्रोग्राम है, कुछ है, तुमने पेन ड्राइव लगाया, उसको ओपन किया, तो वो कहाँ आया, रैम में ही तो आया, ठीक है। तो बस विड्थ और बस स्पीड, ये दो पॉइंट और रह गए हमारे, लास्ट स्लाइड है ये, तो बस विड्थ एंड स्पीड, तो ये दो फैक्टर होते हैं जो हमारे बस के परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो साइज ऑफ द बस इज नोन एज द बस विड्थ, मतलब कि कितना डेटा एक बार में ट्रांसफर हो सकता है। जैसे 16 बिट बस है, उसका मतलब 16 बिट ट्रांसफर हो सकती है एक बार में, 32 बिट है तो 32 बिट, जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोसेसर अगर 64 बिट है तो उसका मतलब क्या है कि 64 बिट वहां से एक साथ ट्रेवल हो सकती मेमोरी में, रोड की तरह है कि अगर 8 लेन हाईवे है तो इसका मतलब एट ए टाइम 8 गाड़ियां पैरेलल में जा सकती हैं। इसी तरह बस स्पीड है, तो स्पीड से जैसे कि मतलब होता है वही है यहाँ पे स्पीड से, मीनिंग कि कितनी स्पीड से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, वो मेगाहर्ट्ज में कैलकुलेट होता है। तो बस स्पीड और बस विड्थ वैसे कोई नए टर्म नहीं है, विड्थ का मतलब कितनी चौड़ाई है, कितने बिट्स कैपेसिटी, कितना एक बार में ट्रेवल हो सकती है, और स्पीड मीन्स कितनी फास्ट डेटा ट्रांसफर हो सकता है। सो बाय दिस स्लाइड वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर इंटरकनेक्शन सिस्टम बस, और सिंपली सिस्टम बस और सिंपली बसेस। तो नाउ अब किसी को अगर कोई डाउट हो, ही और सी कैन डिस्कस एट दिस मोमेंट, कोई अगर पूछना हो किसी को, अदरवाइज वी आर क्लोजिंग द मीटिंग। पूछना है किसी को कुछ? ब्रजभान नो सर, नहीं पूछना तो ठीक है, फिर हम मीटिंग क्लोज कर रहे हैं। कोई डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया? यस।